नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के चमरंग रोड पर चली गोलियां, एक नौजवान हुआ घायल। अमृतसर के गेट हंकीमा में घोड़ियां बनाने वाले परिवार में हुआ झगड़ा, पिता ने दातर से बेटे का काटा कान। अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में नए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर द्वारा अपना पदभार संभालते ही अमृतसर में गोलियां चलने की वारदात सामने आई है, जिसके चलते लुटेरों के दिलों में पुलिस का कोई खौफ या डर नजर नहीं आ रहा और वह घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं इस घटना से अमृतसर निवासियों में काफी दहशत का माहौल देखने को मिला। ये मामला अमृतसर के चमरंग रोड पर सामने आया है, जहां एक नौजवान पर गोलियां चलाई गई हैं। गोली लगने से नौजवान घायल हो गया, उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित नौजवान सोजल ने बताया कि उसकी कुछ नौजवानों से पुरानी रंजिश चल रही थी, उन्हीं की ओर से उस पर गोलियां चलाई गई हैं। उसने बताया कि पहले भी उस पर हमला किया गया था और जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी। इसके चलते लगभग 15 नौजवान इकट्ठा होकर उसकी गली में आए और उस पर गोलियां चला दी, जिसके चलते वह घायल हो गया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें किसी राहगीर ने सूचना दी थी कि चमरंग रोड पर एक नौजवान पर गोलियां चली हैं और वह मौके पर पहुंचे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम सर सुजल ले। की केड़ी दुश्मन क्यों तन गोलियां मार के गया? जी केड़े बंदे है सर? उन्हां दा नाम हैगा जी आदि, अनिकेत ते दानिश। बस ते नाल बाकी होर रानू, कार्तिक। कार्तिक क्यों हमला तेरे ते कीता गया? कारण की रिया? कारण ते सर उन्हां ने पहला मतलब पहला रंजिश कड्डी हुई उन्होंने। दस पंद्रह जने के महल खड़ोता उधर आके सर उन्होंने सीधा पहला ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਭਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੁਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਵਾਏ ਆ ਇਹ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਗੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਕੜੀ ਕੀ ਘੋੜੀਆਂ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ ਕਹਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਪਿਤਾ काला घोड़िया वाला ने उसके ऊपर दातर से जानलेवा हमला कर उसका कान काट दिया, क्योंकि उसने एक घोड़ी पर काम शुरू कर दो घोड़ियां बना दी, जिस पर पिता को लगा कि सारा काम उसने संभाल लिया है और उनके पास कोई काम लेकर नहीं आ रहा, जिसकी रंजिश के चलते पिता द्वारा अपने बेटे पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया और मंगल सिंह अब अस्पताल में उपचाराधीन है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾਂ,
मेरी मैरिड हुई, दो कुड़ियां एक बेटा। दो लड़ पिछो दातर मार। गेट की माई इन्हों ना काला काला कहते घोड़ियां नाल वे भरा ने उन्होंने दातर लिया के दिता। इन्होंने दोनों की सियासती इन्होंने मेरे नए वारदात की है। मैं रब की मर्जी ना बचा जी, मैं ये मंग करना चाहता जी कि जेडे भी अपने इतने मैं अपने होस्पिटल आया हाँ अपना डया इलाज करा। यदि मेरी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, पुलिस भी नहीं कोई कार्रवाई की जाती। बाकी जोड़े सी पी साहब नवे आए हैं, मैं कोशिश चाहना कि वह मेरी मदद कर, मेरा इंसाफ मिलना चाहिए। कोई रंजिश नहीं भाजी, पहले कोई रंजिश नहीं, सिर्फ इधर है मेरे काम के बेस से लड़ते हर टाइम। मैं भाजी वक्रा अपना, इन्होंने मैंने एक घोड़ी दी, मैं एक तो अपने दो बना लिया ठीक है। इन्हों तो यो है कि सारा काम घरे रखो आता वा, यो गल तो मेरे थोड़ी खारबाजी रखते हैं फादर साहब मेरे। हाँ जी, मेरे दो गुड़िया वा एक बेटा भाई। नहीं उत्थे एक घर च रहने अस। हाँ जी भाजी, पता नहीं भाजी, ये सारी सियासत भाजी वे भरा दी है, ना हरदीप आ चैरिटेबल डिस्पेंसरी की शुरुआत श्री देवी तालाब अस्पताल टांडा रोड में अरदास के साथ की गई। इस मौके पर जानकारी देते हुए केजी स्टील रोलिंग मिल्स रायोवाली के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रितपाल सिंह राजू चावला, रमनप्रीत सिंह चावला ने बताया कि जीवन आसरा ट्रस्ट जीवन कौर कृपाल सिंह चावला यादगारी ट्रस्ट की तरफ से खोली गई फ्री चैरिटेबल डिस्पेंसरी में रोजाना साए 5 से 7 बजे तक डॉक्टर विनय बखारी फिजिशियन अपनी सेवाएं देंगे और सभी इलाज निशुल्क करते हुए लोगों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध की जाएंगी। इस मौके पर गुरुद्वारा छेवीं पातशाही दुख निवारण साहिब जीटीबी नगर से जगजीत सिंह गाबा, एडवोकेट बलबीर सिंह चीमा, कुलविंदर सिंह जोधपुरी, जसबीर सिंह चौधरी, राम कुमार, विजय कुमार अग्रवाल, बच्चन सिंह कथूरिया, विनय कुमार आर्य सहित शहर के गणमान्यों ने शामिल होकर चावला परिवार को इस सराहनीय कार्यों के लिए बधाई दी। इस मौके पर मोहिंदर कौर चावला, रमनप्रीत सिंह चावला, गगनदीप कौर चावला, हरमीत सिंह मोंगा, प्रभजोत सिंह मोंगा, करणप्रीत कौर मोंगा, गुरविंदर कौर मोंगा, गगनजोत सिंह चावला, गुरप्रीत कौर चावला, मोहिंदर कौर दुआ सहित कई लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज देवी तालाब होस्पिटल के बिल्कुल ओपोजिट चावला परिवार वालों एक डिस्पेंसरी खोली गई है गरीबों की लोड़वंदा की सहायता वास्ते, जी हर रोज़ 5 से 7 खुले करेगी। डॉक्टर साहबान 5 से 7 बैठ के आए हुए मरीजों को दवाइया दया करेंगे। बिल्कुल कोई दवाई का पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी। ये जीवन आसरा ट्रस्ट जिहड़ा बनाया है, ये चावला परिवार ने निजी तौर पर अपने खर्चों विचों सारा खर्चा करेंगे। किसी कोई डोनेशन नहीं ली जाएगी, ना किसी को पर्ची कटी जाएगी। आप अरदास करते हैं सच्चे पातशाह के चरणों में कि चावला परिवार को हिम्मत बख्शन, उन्होंने कारोबार में बरकत पाउन, तो उन्होंने ये सेवा करने का उद्यम बल जो बख्शा है ये आप सिर पर मेहर पात्र के सेवा रहन। और जिन्हें भी मरीज इतने आते हैं वो सारिया सतगुर सच्चे पातशाह मेरा सतगुर जिहड़ा है ना, वो बड़ा बेअंत है, सारिया के दुख दूर करने के योग है। उस करके उस अगे अरदास है कि सच्चे पातशाह मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा, वो जमा दियाँ फाइया कट्ट वाला मालक सारिया तंदुरुस्त करे। आए हुए जिन्हें भी रोगी आते हैं वो सारे जिथे अरोग हो के जान उ चावला परिवार को शीसा देंदे जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज इंडस्ट्रियल एरिया विखे देवी तालाब हस्पताल सामने चावला परिवार ने जो
बड़ा उदम करके जीवन आस्था ट्रस्ट वालों एक डिस्पेंसरी शुरू की है जो कि शाम को 5 से 7 बजे तक खुलनी है। आप सारे जड़े दुखी परिवार को दवाइया लैन वाले जिन्हें भी ने इतने आके वह लाभ प्राप्त कर सकते हो, इन्होंने वो परची फीस भी नहीं रखी हुई, सारे जिन्हें के एक्सपेंस ने अपने आप करे और गुरु कृपा करे जी इन्हें पहलों भी बड़ी कृपा है। वैसे तो औखद हर का नाम, वह नाम ही दवाई है, पर जी दुनिया दुनियाई दवाई है वो सेवा कर रही है, बड़ा बहुत वधिया उपराला कर रहा है। वैसे भी शहर के चावला परिवार का बड़ा अच्छा नाम है इन सेवावान के, जो गाबा जी ने दसिया बड़े निरंतर ये सेवावान करते हैं। इन्होंने एक दुख निवारण सेवा सोसायटी असी बनाई हुई है गाबा जी की प्रधानगी, सानू एक इन्होंने वाहन दिता सीगा, एंबूलेंस दी सी और फ्री सानू दी सी, उदों भी इन्हों का हमेशा रहिंदा सेवा दे विच योगदान, तो गुरु महाराज कृपा कर इस तरह ही इन्हों चढ़दी कला रखन और ये जी दुख निवारण आसरा जीवन आसरा ट्रस्ट वालों जिहड़ा उपराला किया गया है ये सेवा निरंतर जारी रखे, महाराज कृपा करनगे और आप इन्हों का लाभ उठाओ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं बड़े ही खुशी अज कह सकता कि सरदार कृपाल सिंह, सरदार अमरजीत सिंह, बीबी जीवन कौर वालों, मैं हरविंदर सिंह पुत्र सरदार कृपाल सिंह एक आशीर्वाद देना कि इन्हों का काम बहुत वधिया चले और अगे मैं उम्मीद करांगा कि इत्थे काम बड़ा वधिया ही चलेगा हॉस्पिटल का। बाकी दी जानकारी चलो सब देंगे जिहड़े साडे वीर हरविंदर सिंह और पप्पू चावला ने कहा है, ये इन्हां दे ही प्रेरणा सदके और इन्हां दी हिम्मत दे नाल इत्थे ज़्यादा चैरिटेबल अस्पताल चलेगा। ये अपनी देख रेख दे विच अपने हत्थां दे हेठां लोकां नूं दवाइयां भी दवाया करनगे, सारा इन्हां संभाल संभाल भी करिया करनगे। ये बहुत नेक और धर्मी कर्मी बंदे है। प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार विकी कौशल सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ फिल्म की पूरी टीम भी मौजूद रही। गौरतलब रही कि अपनी नई फिल्म को लेकर विकी कौशल गुरु घर में माथा टेकने के लिए और फिल्म की चढ़दी कला की अरदास करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। होशियारपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉक्टर बीआर अंबेडकर वेलफेयर एंड ब्लड डोनर क्लब की ओर से दूसरा विशाल खूनदान कैंप होशियारपुर के सरकारी अस्पताल में लगाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए दिनकर कपिला ने बताया कि ये खूनदान कैंप वे अपने स्वर्गीय पिता रामपाल की बरसी वाले दिन बीआर अंबेडकर वेलफेयर एंड ब्लड डोनर क्लब के साथ मिलकर लगाते हैं ताकि समाज को एक नया संदेश मिल सके। उन्होंने बताया कि इस कैंप में कुल 25 डोनर्स द्वारा खूनदान कर अपना सहयोग दिया गया है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। अज सिविल हॉस्पिटल च खूनदान कैंप लगाया जा रहा है। साडा ये कैंप डॉक्टर बी आर अंबेडकर वेलफेयर एंड डोनर्स क्लब सोसाइटी नाल मतलब मिलके आप लगा रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप। ये कैंप लाइक बहुत जरूरी हुंदा है, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, क्योंकि इस डोनर्स जड़े ब्लड डोनेट करते हैं
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਲਾਈਕ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਟਰੋਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲੱਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੇਂਗੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਡੇਂਗੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ PRP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ PRP, FFP, PRBC, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਕਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਲੋਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਖੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਪ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਨਿਊ ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਤੁਲਸੀ ਵਿਵਾਹ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਏਵਮ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਾਲਿਕ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਕਰਨੇਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਔਰ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਬਕਿ ਵਧੂ ਪਕਸ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੱਕਾ, ਮਧੂ ਸਿੱਕਾ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਸਿੱਕਾ ਔਰ ਸਪਨਾ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੰਡਿਤ ਅਚਿਤਾਨੰਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵ ਮੰਤਰੋਚਾਰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤੁਲਸੀ ਵਿਵਾਹ ਕੋ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਕਿਰਨ ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਨੀ ਦੇਵਿਕਾ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋ ਕੋ ਮੰਤਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਅਸੰਖਯ ਭਕਤਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਿਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर श्री श्याम बाबा खाटू वाले का भव्य संकीर्तन एवं भंडारा शिव शंकर मंदिर शिवनगर सोडल रोड जालंधर में मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष अरुण कोहली की ओर से करवाया गया, जिसमें केवल खन्ना एंड पार्टी ने खाटू श्याम जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਸਾਰਾ ਜਗ ਪੀਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਗ
परमेश्वर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी स्वामी लोचनानंद आश्रम बस्ती 9 में पंडित मनोज कुमार तिवारी के सानिध्य में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन की शुरुआत हुई। स्वामी लोचनानंद सरस्वती एवं स्वामी जगदीशानंद महाराज की प्रेरणा से शुरू हुई साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास देवकी नंदन पटियाला वालों ने श्री राम जन्म एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बताया। कथा व्यास देवकी नंदन ने कहा कि कलयुग में भागवत की कथा सुनने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों का अंत भी होता है। कृष्ण व श्री राम जन्मोत्सव का वर्णन सुन दर्शक भाव विभोर हो गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। उसके बाद हमारे गुरु महाराज जी हैं देवोत्थान काशी पे। हमारे परम गुरु महाराज जी इस धरातल पर उन्होंने जन्म लीला की, यानी कि जन्म लेकर के आए। ऐसी पावन तिथि में आज हमारे परम गुरु जी का प्रगट दिवस है। तो अपने अपने सदगुरु के लिए हम सभी यही कहेंगे, जिस दिन सदगुरु हमें मिले वो हमारा दिन बड़ा धन्य हुआ। सदगुरु के चरणों का आश्रय लिया और हम आज हरि को पाने के लिए लगे हुए हैं। आइए, सदगुरु की क्या महिमा है। ना तो दौलत ना इज्जत बड़ी चीज है, ना तो दौलत ना इज्जत बड़ी चीज है, ना तो शोहरत ना हुकूमत बड़ी चीज है। गर जहां में कोई चीज है गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के चमरंग रोड पर चली गोलियां, एक नौजवान हुआ घायल। अमृतसर के गेट हंकीमा में घोड़ियां बनाने वाले परिवार में हुआ झगड़ा, पिता ने दातर से बेटे का काटा कान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।